गुड इवनिंग सत श्री अकाल। अज आपां 15 सितंबर नूं हर बुधवार की तरह कोविड की स्थिति है जिहड़ी उस ते गल कर रहे हैं। परमात्मा का शुक्र है कि पिछले 2-3 महीनों तो जिहड़ा ये खदशा सीगा कि सितंबर च जाके केसिज वधणगे, गॉड हैज़ बीन काइंड कि अपने केसिज अजे भी कुछ काबू हेठ ने, भावें कि इस हफ्ते दौरान एक दिन 9 केस भी आए, एक दिन 4 भी आए, पिछले हफ्ते नालों भावें कि थोड़ा जिहा वाधा, बट ओवरऑल जिहड़ी स्थिति हैगी अजे स्टेबल है। और यह स्थिति स्टेबल सिर्फ और सिर्फ थोड़े सहयोग करके हैगी है। और एक नवी जिहड़ी प्राप्ति हुण अपनी जा रही है कि कल शाम तक असी 23,76,000 लोगों नूं जिहड़ी है वैक्सीन लगा चुके सी। साडी कोशिश ये है कि इस हफ्ते के दौरान ही असी 25 लाख का जिहड़ा मार्क हैगा उहनूं कोशिश करके उहनूं टप जाइए। जदों भी असी फीट अचीव करते हैं तो असी तुहाडे नाल सांझी करांगे। मैं जिहड़ियां गल्लां पहलां भी तुहानूं कहना और एडमिनिस्ट्रेशन साइड तो थोड़ा परिवारक मैंबर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि उन्होंने मैं रिपीट करा कि भी आपां ये जिहड़ा लल पीरियड हैगा, अंग्रेजी का एक शब्द है कि जिहड़ी कोई चुप्पी हुंदी हैगी, आपां इहनूं अवेसलापन ना लिआईए। कोविड बिल्कुल साडे विच ही है, बहुत सारे सूबिआं बहुत सारे देशां च इहदा जिहड़ा तांडव हैगा बहुत बुरी तरह नाल अजे भी इज़राइल वर्गे और यूके वर्गे यूएसए वर्गे जड़े और कैनेडा वर्गे विकसित मुल्क ने उत्थे फिर ये नंबर्स वध रहे ने। केरला वर्गा गांह वधू सूबा भी इस तो ग्रस्त हैगा। सो आपां चुकन्ने रहिए, मास्क पाउणा, हत्थां नूं सैनेटाइज़ करना या धोंदे रहना, एक दूजे तो दूरी बना के रखना। स्पेशली जिहड़े कि अपने कोई फंक्शनस हैगे ने उन्हां च जाण तो अवॉइड करना। अगर तुसीं इन्हां गल्लां नूं इस चीज़ पर अमल करोंगे तो ये बीमारी तो हुण तक जिवें आपां काबू पाउण च कामयाब होए, अगे भी कामयाब होवांगे। धन्नवाद, मैनूं पूरी उम्मीद है कि तुसीं ये सारियां जिहड़ियां सरकार दियां गाइडलाइनज़ है इन्हां नूं फॉलो करोंगे।